बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम का मशक्तिलूम का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूं कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास उर्दू मीडियम मशक्तिलूम का सफ़ा नंबर 12 है। सबक नंबर 4 है पाकिस्तान के दरिया। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इस सबक के पहले 5 सवाल पढ़े और आज हम इसके सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक रीडिंग करेंगे। 9 तक सवाल जो हमको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के सवाल पढ़ने से पहले पिछले सवालों का थोड़ा सा मुशाहदा कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के कितने दरिया हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। फिर हमने 2 से 3 दरियाओं के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। 5 दरिया, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, दरियाए जेहलम, दरियाए चिनाब और दरियाए सिंध हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन क्यों कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के 5 दरिया जो हैं, जिनके मैंने अभी आपको नेम बताए, वो 5ों दरिया सुबह पंजाब में बहते हैं। इसी निस्बत से पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि दरियाए सतलुज जो है वो कहाँ पर वाक़या है, ये कहाँ से निकलता है और कहाँ गिरता है। ये तिब्बत में हिमालया से निकलता है और भारत से बहता हुआ पाकिस्तान में सुलेमानगी के करीब दाखिल होता है और फिर पंजनद के करीब दरियाए चिनाब में गिरता है। देन हमने पढ़ा कि दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और भारत से होता हुआ लाहौर में दाखिल होता है और सदनाई के करीब दरियाए चिनाब में गिरता है। फिर हमने पढ़ा कि दरियाए चिनाब जो है वो कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और भारत से होता हुआ मराला के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछले लेक्चर के सवालात का निचोड़। अब हम आज के सवालात पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला आज का सवाल है, सवाल नंबर 6, दरियाए चिनाब में कौन कौन से दरिया गिरते हैं? जवाब, दरियाए जेहलम त्रिमो के नज़दीक दरियाए चिनाब में गिरता है, दरियाए रावी ज़िला मुल्तान में दरियाए चिनाब में गिरता है, दरियाए जेहलम भी दरियाए चिनाब में गिरता है। सवाल नंबर 7, दरियाए जेहलम के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, दरियाए जेहलम कश्मीर के पहाड़ों में झील दिल से निकलता है, ये एक झील का नाम है। फिर दीगर दरियाओं की तरह, उनके बाकी दरियाओं की तरह भारत से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है, जैसा कि दरियाए सतलुज हमने पढ़ा कि भारत से होता हुआ पाकिस्तान में सुलेमानगी के करीब दाखिल होता है, दरियाए रावी भारत से होता हुआ लाहौर में दाखिल होता है, इसी तरीके से दरियाए जेहलम भी भारत से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये दरिया मशरकी सिमत से बहता हुआ जनूब मगरबी सिमत को मुड़ जाता है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, पंजाब के तमाम दरिया किस मुकाम पर दरियाए सिंध में गिरते हैं? जवाब, पंजाब के तमाम दरिया मिलकर पंजनद के मुकाम पर एक होते हैं और एक होकर जनूब मगरबी सिंध में बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है,
क्योंकि पंजाब के जितने भी दरिया हैं वो सारे पंजनद के मुकाम पर एक होकर दरिया सिंध में गिरते हैं। तो दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, ये 3180 किलोमीटर तवील है, तवील यानी कि लंबा, इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरियाए सिंध झील मानसरोवर से निकलता है, मानसरोवर कोहमालिया में वाकया है, कोहमालिया पहाड़ी सिलसिला है। स्टूडेंट्स झील जो है ये वो पानी का वो किता है जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा होता है, यानी कि पहाड़ों से बहने वाला जितना पानी है वो झीलों में आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। बहुत सी छोटी नदियाँ और दरिया मिलकर इस दरिया को बड़ा करते हैं। ये दरिया शमाल की तरफ बहता हुआ अटक के मुकाम से जनूब मगरबी सिंध की तरफ बहना शुरू करते हैं, ये आखिर में बहेरा अरब में गिरता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि दरियाए चिनाब में कौन कौन से दरिया बहते हैं, दरियाए जहलम के बारे में पढ़ा कि दरियाए जहलम कश्मीर के पहाड़ों से झील दिल से निकलता है और भारत से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। देन हमने पढ़ा कि पंजाब के तमाम दरिया किस मुकाम पर सिंध में गिरते हैं, पंजाब के जितने भी दरिया हैं वो पंजनद के मुकाम पर एक होकर दरियाए सिंध में गिरते हैं, और पाकिस्तान के सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। ये दरिया झील मानसरोवर से निकलता है और मानसरोवर जो है वो कोहमालिया में वाकया है। ये दरिया कैसे बड़ा होता है कि बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ और दरिया मिलकर इस दरिया को बड़ा करते हैं। ये दरिया शमाल की तरफ बहता हुआ अटक के मुकाम से जो है वो जनूब मगरिब सिमत में बहना शुरू करता है और आखिरकार ये बहेरा अरब में जा गिरता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सबक के मश्क को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।